जो वो पागल है मैं, नहीं आ, वो कहने वाले वो मूर्ख है।, है वो मूर्ख लोग हैं तो उसमें उनका उनका भी दोष नहीं है वो खुद मूर्ख है, है भक्ति करना तो भक्तों का जिस पर भगवान की कृपा होती है वही कर सकता है भक्ति भागी सब कहाँ कर सकते हैं गुरु जी कृपया आप गुरुकुल में रख लीजिए ना कैसे नहीं कह रहे सच्ची कोई परिस्थिति है घर में हम नहीं रह सकते कोई बात नहीं आपके पिताजी शराब पे पीते हैं आप सुबह आपने कहा था ना कि छोड़ देना घर होटल में जाके इन्होंने कहा कि नहीं छोड़ेंगे उनकी क्या तू हमें ऑर्डर देने वाला कौन है क्यों आओ यहाँ आओ बात करो ये गुरु जी कृपया रख लीजिए ना दास को आत रख। जरूर जरूर रख लेंगे आपको हम पर आपके पिताजी से बात करेंगे नमन गुरु जी क्यों बच्चों के क्यों संस्कार बिगाड़ रहे हो ये आपका बेटा है हाँ जी तो क्यों शराब नहीं छोड़ रहे हो आप छोड़ देंगे और आपका बेटा बता रहा था कि आप उसे पूजा पाठ भी नहीं करने देते हो पूरी सारे दिन पूजा पाठ करता रहता है सुबह मंदिर चला जाता है वहाँ सारा दिन रहता है शाम को चला जाता है चार घंटे वहाँ रहता है मेरा जितना उतना ही कर लो ये सारा दिन करता रहता है सारा दिन पढ़ाई छोड़ दी स्कूल नहीं जाता ये पढ़ाई तो जाता नहीं है छः महीने हो गए जाता नहीं है स्कूल बेटा स्कूल क्यों नहीं जाते आप गुरु जी क्योंकि न वहाँ पे पढ़ाते हैं कि तुम मांस तुम मांस खाया करो ऐसी हैं? वो ये इसलिए न क्योंकि संतों को गालियाँ देते हैं कि संत पाखंडी नीच टकला टुकला नी ऐसे भगवान बग, भगवान को भी गालियाँ देते हैं ये कौन ये दोनों कौन है ये दोनों माता पिता आपके माता पिता संतों को गालियाँ देते हैं है भगवान को भी देते हैं भगवान को भी क्यों गाली देते हो संतों को कहते प्रेमानंद जी महाराज को इतनी गालियाँ गुरु जी प्लीज रख लीजिए ना दास नहीं हम रख लेंगे क्यों गाली देते हो संतों को मैं तो नहीं देता गुरु जी जैसे ही बोली जा रहे हैं ये माँ तो मना कर रही है आपकी ये पढ़ाई इसको बोलते है ये पढ़ाई छोड़ दी है ना जब इसको बोलते हैं हम पढ़ाई बे पढ़ाई क्यों छोड़ी तू? हाँ, तो पढ़ाई आपने क्यों छोड़ी अभी हाँ, बताओ मैंने इसको ऐसे बोला था बे बेटा तू तो दसवीं कर ले जब मर्जी तू वृंदावन में जाके तुम्हारा एडमिशन करवा लेना ठीक है बस ये बात कही थी इसको ये ना छवी क्लास पूरी भी नहीं की है अभी भी अरे इसने छोड़ दी पढ़ाई बात कराओ पूछो इसको भक्ति करना बहुत अच्छी बात है लेकिन अपना कर्म भी तो जरूरी है ना बेटा पढ़ाई लिखाई भी जरूरी है पहले पढ़ाई लिखाई कर लो और पढ़ते लिखते फिर भगवान का चिंतन भी बना रहे गुरु जी आपने कल कथा में कहा था कि एक बार सबको दो तो, दो तो, तीन बार सबको मौका दो हमने बहुत बार इनको मौका दिया फिर आपने कहा था उसका परित्याग कर दो इसलिए दास ने यह निश्चय लिया था कि दोनों बहुत ऐसे माँ बाप को त्यागा नहीं जाता माँ बाप को त्यागा नहीं जाता बेटा ऐसे माँ बाप भी तो होने चाहिए ना जिनके ऐसा थोड़ा तो ये माँ बाप अच्छे नहीं है ये ना संतों को दास को जो मर्जी कह दो पर संतों को कुछ ना कहो वाह कितना श्रेष्ठ विचार है बच्चे का हेलो हाँ जी गुरु जी मैं ऐसे इसको बोल रही हूँ बेटा तू पढ़ाई भी कर भक्ति भी कर जो मर्जी कर पर इसको पढ़ाई तो जरूरी है नहीं आप बताओ इसकी अच्छी लाइफ दे रखे हम इसको जो भी चीज़ जीती है इसको मिनट में लिया के देते हैं हम इसकी जरूरत पूरी करते हैं पर ये कहना नहीं मानता हमारा बिल्कुल से भी जिद करता है आपकी जिद चलाता है हमारे को ऊपर नहीं आना था बिल्कुल भी चलो अच्छा यहाँ चलो यहाँ गुरुकुल में चलो हम आपको रख लेंगे तो यहाँ भी तो गुरुकुल में बच्चे पढ़ते हैं ना बेटा आप पढ़ोगे फिर हाँ सच्ची पढ़ेंगे तो फिर वहाँ घर में क्यों नहीं पढ़े क्योंकि वहाँ पर मतलब वहाँ पे कहते हैं लेक्चर में ये गुरु जी ऐसे कहते हैं जहाँ वहाँ लेक्चर देते है भाई बच्चों को पुटिंग कैसे दे जाती है शरीर पे अंडा वगैरह ये बताते हैं तो इसको कोई कहते थोड़ी भी तू खा वो तो बताते हैं आपके लेक्चर देते वो तो मैडम तो जद करके बस इसने स्कूल छोड़ दिया बताओ बताओ ये बताओ। तो जहाँ अंडा खाने की प्रेरणा दी जा रही है वो स्कूल अच्छा तो माना नहीं जाएगा हाँ। हमारी संस्कृति के खिलाफ है ना कि आप बच्चों को प्रोत्साहित करें उनको अंडा खाने की प्रेरणा दें या प्रोत्साहित करें तो गलत ही है ना आप वहाँ पढ़ने गए हैं कि अंडा का प्रोत्साहन पाने गए हैं और पढ़ाई भी बहुत अच्छी करता है बहुत अच्छी पढ़ाई तो लंबर बन नहीं है साढ़े पाँच सौ से लंबर में साढ़े चार सौ लम्बर लेके आए अभी भी पांचवी क्लास के लंबर तो, तो आप गालियां क्यों देती हो मैया इसके ना वहाँ इसमें लुधियाने में लुधियाने नंबर तो अच्छे हैं पर गालियाँ क्यों देती होती गुरु जी दास इसलिए आपके गुरुकुल में पढ़ना चाहता है कि अध्यात्म ज्ञान इसलिए क्योंकि दा जैसे आप हमारे भारत को आगे लेके जाए दास भी मेरे भारत को आगे लेके जाए ठीक है बेटा लेकिन आप अभी कौन सी कक्षा में है छठी तो बेटा आप आठवीं तक तो घर में पढ़ लो ना यहाँ पर जो बच्चे हैं वो आठवीं के बाद ही यहाँ पर लिया जाता है आप आठवीं तक दो बार दो क्लास घर में रह के दो वर्ष तक पढ़ो और माँ बाप के साथ आप रहोगे तो ये भी जो गलत राह पर हैं आपके पिताजी मांस खाते हैं शराब पीते पहले इनकी शराब मांस आप छोड़वा देंगे अपने संस्कार से और आप थोड़ा सा पढ़ाई जो आपकी माँ कहती है बेटा पढ़ो तो माँ अपनी जगह सही भी है कि वो अपने बच्चों को पढ़ने के लिए में मांस पढ़ ले खाते तकलीफ तो आपकी माँ भी मांस खाती है तो सब खाते घर में सारे पूरा 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 घर बदबू बदबू से होया जाता है पूरे घर में बदबू लाते हैं कहीं कहीं उसका सिर पकाते हैं, कभी उसके हाथ पका बहुत कष्ट होता है दास को देखो बच्चा रो रहा है और तो मुर्गी हो मैया प्लीज गुरु जी देख लीजिए रख लेंगे रख लेंगे अभी रख लीजिए ना ठीक है अभी रख लेते हैं ठीक है ठीक है अभी रख लेते हैं तो मैया मांस क्यों खाती हो इतना ज्यादा के बच्चे देखे देखिए बच्चों के देखो इतने आप लोग ना जो हत्या करते हैं बच्चे कॉमल होते हैं बच्चे किसी का दर्द समझते हैं आप लोग बताइए बड़े होके किसी का दर्द नहीं समझ रहे माइक दीजिए पीछे। मांस खाने वाली मैया से बात कराओ मैया खड़ी हो जाओ हाँ जी क्यों इतना मांस खाती हो कि बच्चे देखिए कितना उनको मन में कितना बैठा हुआ है जी क्या करे में जो खाते हैं सभी हैं अरे तो है। सास ससुर भी खाते हैं अभी जो है अगर में स्थिति है वो ही चलेगी तो सब मूर्ख हैं तो तुम भी मूर्ख रहोगे गुरु जी ये कहते है क्ये ना के ना, ना नरक भोगना तो भोग लूंगी पर मैं मांस खा के रहूंगी पर ये ये है हैं है ना ना तू जो मर्जी कर लेंगे जो मर्जी मुझे कहते मैं खाऊंगी तू क्या कर लेगा तेरा जिस मर्जी के पास ले जा पर मैं तुझे कहीं मैं छोड़ूंगी नहीं कभी इसलिए गुरु जी इसलिए पूरा रात रात को दारुआ पी पी के आते हैं बहुत पूरा पूरा कमरा पासता है तीन कमरे हैं ना घर में दो तो ही कमरे इस कमरे में दादाजी पीते हैं इस कमरे में ये तो बहुत गंदा लगता है एक कमरे में दादाजी पीते हैं एक, एक कमरे में पिताजी पीते हैं अब कैसे कोई भगवान का नाम जप ले तकलीफ तो बदबू बदबू वाला पूरा हो जाता है अब दादाजी तो कुछ देर बाद टपक ही जाएंगे तो आप लोग तो अभी हो तो आप लोग क्यों पी रहे हो शराब बच्चे को जब पसंद नहीं है तो बच्चे की खुशी के लिए दास भक्त नाम वाले सुनता है तो भक्तों को गालियां देते हैं ये क्या लगा लिया ये बहुत गंद गंद गाल देते दास बर्दाश्त नहीं होता जैसे हम अपना आप अप, लोग यदि ठीक हो जाओ तो दादा दादी की तो छोड़ दो हम अपना लेंगे पर देखिए माँ बाप बच्चों की खुशी के लिए क्या नहीं करते और आपका बच्चा कितना अच्छा है कि आप लोगों को शराब मांस से दूर रखने की कोशिश कर रहा है देखिए बच्चा अपने माँ बाप से स्ट्रगल कर लड़ रहा है छोड़ दो हर बुरी चीज को और आप लोग अपने आपके घर में कोई संत का जन्म हुआ वो संत भाव में है और आप लोग समझ नहीं रहे पता नहीं कौन से राक्षस हैं आप लोग गुरु जी वो जो इन्हो मैंने सो हमेशा कहते कहते पिताजी छोड़ दो ये पाप है तो कहते, मुझे आदेश देने वाला कौन है मैं तुझे आदेश आदेश दूंगा तू थोड़ी दे सकता है मुझे मतलब हाँ, बाप हो तो बेटा सही भी बताएगा तो आप उसे गलत सिद्ध कर दोगे अरे भाई बाप हो पर हो तो गलत ना बाप हो पर बाप होकर भी तुम्हारी जितनी बुद्धि उसके पास है उतनी तुम्हारे बाप के पास नहीं है बुद्धि तुम्हारा बाप भी अनपढ़ मूर्ख एक नंबर का जो शराब पीता है गुरु जी सारे घर में बड़े पिताजी नीचे से लट्टू को के गिर गिर के नालियों में पड़ पड़ के आते हैं बहुत गंदा लगता था इसको सही है रातो रात लड़ा तुम्हारे वंश में कोई बहुत बड़ा पुण्य था किसी का ऐसा भक्त का जन्म हो गया वरना तुम सबको यही बचाएगा नर्क जाने से वरना तुम सीधे नर्क की टिकट कटी पड़ी है गुरु जी घर में बहुत गंद बहुत गंदे-गंदे गालियां निकालते हैं ये सारे लड़ाई अपने भाइयों से लड़ाई करी हुई है सबसे लड़ाई करते हैं ये और बहुत गंदे-गंदे गालियां निकालते हैं ये आप इनसे कहते गालियां मत निकाला करो किसी को और जैसे वो वाली नहीं वो बहुत वो गंदे गंदी, गंदी गालियाँ होती है, वो निकालते हैं ये क्यों गंदी गालियां बोलते हो बच्चे सुनते हैं अच्छा प्रभाव पड़ेगा नहीं बोलता गुरु जी अच्छे शब्दों का बेटा बच्चों बिटा के बिटा साथ ना मर्यादित रहना चाहिए जो आप कर रहे हैं उसका बहुत बड़ा प्रभाव बच्चों पर पड़ता है अच्छा और बुरा दोनों इसलिए थोड़ा माँ बाप को ना जिम्मेदारी से रहना चाहिए और शराब छोड़ देने से क्या फत आ रही है आपको मांस छोड़ने से क्या भूखन मर जाएंगे आप हम तो नहीं खाते मांस वो भी नहीं खाता बच्चा आपके घर में खाता है मांस लहसुन प्याज भी, भी नहीं खाता ये दो। फिर जब वो आपके घर में रहस के जिंदा हो सकता रह सकता है तो आप लोग कौन से मर जाएंगे नहीं खाएंगे मांस तो फिर जीवन संभव है क्यों आप लोग समझते नहीं है कभी पुण्य से कोई ऐसे बच्चे आजकल कहाँ मिलते हैं बताओ कोई भाई ऐसा बच्चा होता है कोई करोड़ों में कोई एक बच्चा है ऐसा और आप लोग समझ रहे हैं उसकी कीमत नहीं समझ रहे हैं करोड़ों आपके दादाजी का भी कल्याण यही करेगा वो अपने पुण्य से तो नरक ही जाएंगे पाप से है ना आप लोग तो सुधर जाओ सही राह पर चलो पिता को छोड़ो चलो वो तो बूढ़े हो गए कितनी उम्र है ठीक है उम्र है आप सुधरो गुरु जी सब दास सबके सामने कहना चाहता है कि दास अपना अपमान पर अपने गुरु का और अपने इष्ट का कभी अपमान नहीं सहेगा इसलिए दास को मृत्यु ही मिले पर दास मेरे प्यारे संतों का अपमान नहीं होने देगा बिल्कुल बहुत सुंदर सही है इसीलिए पढ़ना भी है ठीक है गुरु जी <laughs> गुरु जी कृपया रख लीजे बोल तो दिए हमने रख लेंगे बिल्कुल रहो कब रखेंगे अभी अभी आ जाओ आप अभी रहो हमारे साथ चलना करवा देंगे जी गुरु जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद ठीक है